बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है मोइनीस लाइफस्टाइल। और आज का जो ये वीडियो है वो आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ। मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि आप दो बच्चों के बाद भी आप इतना फिट कैसे रहती हैं, तो इसके बारे में बताओ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो आप लोगों को सभी को बता दूँ कि मैं फिटनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ। हाँ, मैं प्रोफेशनल मार्शल आर्ट ट्रेनर रह चुकी हूँ, तो उसी बेसिस पर मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कैसे फिट रखना है। और आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही हूं पतली और मैं कभी मोटी ही नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है। मैं मोटी हुई हूं और दोनों, आपको बता दूं, दोनों बच्चे मेरे सी सेक्शन से हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही पतली रही हूं, मैं मोटी ही नहीं हुई। मैं मोटी होती हूं और कई बार मोटी हुई हूँ फिर मैं पतली हो जाती हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कैसे मैनेज करना है। तो मैं आपको यहाँ पे फोटो दिखा दूंगी कि अभी कुछ टाइम पहले की फोटो है और मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गई थी, काफ़ी वेट गेन कर लिया था मैंने, बट मैंने उस वेट को मैनेज कर लिया है। और अभी मैंने काफ़ी 5 से 6 kgs मैंने लॉस किया है, वो भी सिंपल मेथड से। आपको ये चीज़ बता दूँ, बहुत ही सिंपल मेथड से मैं अपना वेट जो है वो लॉस कर लेती हूँ और अपने आप को मैनेज रखती हूँ। मुझे पता है कि मेरा कितना वेट होना चाहिए और कितना बढ़ना चाहिए, फिर कितना मैं उसको मैनेज कर सकती हूँ। क्योंकि एक बार अगर आपने वेट बढ़ने दिया ना, तो जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप उसको कंट्रोल में नहीं कर सकते। बट अगर आपने जब थोड़ा सा भी स्टार्ट होता है वेट गेन होना और तभी आप उसके लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो आपका वेट मैनेज रहता है, बिल्कुल भी वेट आपका नहीं बढ़ता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से अपना वेट को मैनेज रखती हूँ। तो मैं है बहुत ही सिंपल तरीके से रखती हूँ। मैं खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती कि मैं खाना छोड़ दूँ और खाना पीना तेल वगैरह सब कुछ छोड़ दूँ और तो मैं अपना वेट मैनेज करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खाती पीती पूरा हूँ और अच्छे से अपनी डाइट लेती हूँ और ऑयल वगैरह, ऐसा भी नहीं कि मैं ऑयल छोड़ती हूँ। क्योंकि अगर आप खाना छोड़ते हो ना, खाना छोड़ के जो आप वेट लॉस करते हो वो कुछ टाइम का होता है, फिर जैसे ही आपने खाना स्टार्ट किया वो दोबारा से आपका वेट वैसे का वैसा ही हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करती हूँ कि आप भूखे रह के वेट लॉस करिए, बिल्कुल भी नहीं। आप सिंपल चीज़ों से भी अपना वेट लॉस कर सकते हो। और बहुत फैंसी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि ग्रीन टी पीना और ये करना वो करना, मैं नहीं करती हूँ। मैं बहुत सिंपल चीज़ें करती हूँ और जहाँ मेरा वेट थोड़ा सा भी बढ़ता है, मैं मॉर्निंग पे एक ड्रिंक स्टार्ट कर देती हूँ जो कि है सिंपल नींबू पानी। वो गरम पानी मैं लेती हूँ, गरम पानी एकदम गरम होना चाहिए, जिसको आप सिप सिप करके पियो, एकदम नहीं पीना है आपको। और उसमें नींबू डाल के आप लीजिए, और शहद डालना है तो ये आपकी मर्जी है, बट नींबू पानी और गरम पानी और नींबू ही आपकी बॉडी के लिए मतलब बहुत ही अच्छा अमेजिंग काम करता है। मेरी बॉडी पे तो बहुत अच्छा वर्क करता है ये। और सुबह मैं जब भी मेरा वेट मुझे लगता है कि वेट गेन हो रहा है तो मैं ये स्टार्ट कर देती हूँ। सेकेंड चीज़ मेरा ये है, अब आपको लग रहा होगा ना कि कितनी सिंपल सी बात बता रही है, इससे क्या, ये तो बहुत लोग बताते हैं, बहुत लोग करते हैं, बट मैं ये चीज़ें करती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना, सिंपल चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और बहुत फैंसी और बहुत इधर उधर की चीज़ें करने लगते हैं, बट कभी वो सिंपल चीज़ ही आपके बहुत काम आ जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि सिंपल सोच के उस चीज़ को मत छोड़िए, क्योंकि मैं ये चीज़ें करती हूँ, मुझे पता है कि ये मेरी बॉडी पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। सेकेंड चीज़, वॉक। अब वॉक आपको किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक वॉक होता है जो सिंपल आप टहलते हो, तो वो अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, अच्छा है आपके हार्ट के लिए, अच्छा है, बट वो आपका फैट लॉस नहीं करता, वो आपका जो बॉडी है उसमें से फैट को नहीं निकालेगा, ठीक है। आपको वॉक कैसे करनी है, आपको स्पीड में चलना है, दौड़ना नहीं है आपको, आपको स्पीड में चलना है और बहुत तेज स्पीड में आपको चलना है, और जिससे कि आपको पसीना आए, आपको स्वेट हो, तो आप समझ लीजिए आपका जो फैट है वो बर्न हो रहा है। और आपको दो टाइम ये वॉक करनी है, एक सुबह एक शाम, ठीक है, सुबह भी और शाम भी आपको दो टाइम वॉक करनी है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा दो टाइम करने से। और अगर इस टाइम पे जैसे लॉकडाउन है, आप वॉक नहीं कर सकते हो, बाहर नहीं जा सकते हो, आप वैसे तो घर में भी कर लीजिए, बट उसके लिए भी मैं एक सॉल्यूशन बताती हूँ। अगर मेरे को वॉक करने की जगह नहीं मिलती है तो सीढ़ियाँ हम सबके घर में होती हैं, ठीक है, आप सीढ़ी में ऊपर चढ़ के नीचे उतरिए, ऊपर चढ़िए नीचे उतरिए, ये चीज आप स्टार्ट करिए 10 बार करने से। आप 10 बार करेंगे, फिर उसके बाद 20 बार करिए, फिर 30 बार करिए, आपका वेट डेफिनेटली लॉस होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। छोटी चीज सोच के इसको स्किप मत करिए, मेरी बॉडी पे ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। और उसका प्रूफ आपको रिसेंटली मेरी बहन की शादी की वीडियो आई है, उसमें आप देख लीजिएगा मैं कितनी हेल्दी थी और अब मेरा वेट कितना कम हुआ है। तो ये कुछ 1 साल 1.5 साल की बात होगी, हाँ, मेरी बहन की शादी को पिछली जनवरी में हुई थी,
तो आप ये देख लीजिए उसके बीच में मैंने कितना वेट लॉस किया है। तो छोटी चीज समझ के इसको बिल्कुल भी रिग्रेट मत कीजिएगा। मैं अपने लिए यही चीजें यूज करती हूँ और इसी से मैं एकदम फिट रहती हूँ। और बच्चे मेरे इतने बड़े बड़े हो गए हैं फिर भी अभी भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप लगते नहीं हो। तो टाइटल तो मुझे वैसे भी दे ही दिया है चैनल पे संतूर मॉम का, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सेम चीज़ आप भी अपने साथ कर सकते हो। और अभी भी मैं 2 घंटे से वीडियो बनाने का इंतजार कर रही थी, बार बार लाइट आ रही है जा रही है, फाइनली मेरा वीडियो डन हो गया है। अब लाइट चली गई है तो कोई बात नहीं, तो वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया है। और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।